भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर कहा कि यूएन में जिस प्रकार से भुट्टो ने बयान दिया है और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बिलावल भुट्टो जैसे लोग यही भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद का स्रोत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी भारत ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। यूएन के अंदर बिलावल भुट्टो ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बिलावल भुट्टो जैसे लोग यही भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद का स्रोत है। पाकिस्तान आतंकवाद को केवल संरक्षण और समर्थन नहीं देता, बल्कि पाकिस्तान तो आतंकवाद की नर्सरी है। यूएन के अंदर जिस प्रकार से वहां के मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है और जिस प्रकार की भाषा का जो उपयोग किया है, भारत के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और बिलावल भुट्टो जैसे लोग यही भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद का स्रोत है। जिस प्रकार से आतंकवाद को केवल संरक्षण समर्थन नहीं, वो तो पाकिस्तान तो आतंकवाद की नर्सरी है। शर्मा ने कहा, आतंकवाद आज भारत के अंदर समाप्त हुआ है। आतंकवादी पाकिस्तान से प्रेरित होकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास करते थे। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में यहां से आतंकवाद समाप्त हुआ है। दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। भुट्टो के बयान पर देश पीएम मोदी के साथ खड़े होकर इसकी कड़ी आलोचना करता है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी भी आज पाकिस्तान के इस प्रकार के वक्तव्य की आलोचना और विरोध करती है। पूरे भारत के प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से दुनिया ने समर्थन दिया है और दुनिया जिनके नेतृत्व को विश्व के लोग 75% लोग ये कहते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और जिस प्रकार से आतंकवाद आज भारत के अंदर समाप्त हुआ है, जो आतंकवाद पाकिस्तान से प्रेरित होकर के भारत को स्थिर करने का प्रयास करता था, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहां से तो आतंकवाद समाप्त हुआ ही है। पाकिस्तान को जवाब तो मिला ही है। दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, इसलिए इस प्रकार की भाषा का दुरुपयोग करना, भारत का एक एक नागरिक 130 करोड़ जनता के एक आदर्श नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भाषा पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान को भारत का एक एक नागरिक इसका कड़ाई से जवाब भी देगा और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर के इसकी कड़ी आलोचना करता है। भारतीय जनता पार्टी भी आज पाकिस्तान के इस प्रकार के वक्तव्य के उस मंत्री के खिलाफ पूरे भारत के अंदर, हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरी जनता ने इसका कड़ा विरोध और प्रतिकार किया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।